हेलो एवरीवन, माय नेम इज राकेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तेरा बिडवास किस टॉपिक पर? फॉर्मल का ऊपर। तेरे को क्या इनकम प्रूफ है? सीरियसली ब्रो, तूने खुद फॉर्मल नहीं पहना है, ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगा? एक्चुअली ही इज राइट। तो आज का वीडियो मैं कर लेता हूँ। हाँ, तो आज का वीडियो टू ही शूट कर। तो आज का वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फॉर्मल के बारे में। तो पांच में आपको ऐसे प्रो टिप्स बताऊंगा, तो अगर आप इसको आप फॉलो करोगे, आप अपना ऑफिस में या किसी भी फॉर्मल ओकेशन में, मतलब पार्टी वगैरह में, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, काफ़ी ज़्यादा कूल और काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लगोगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर वन में जिसके बारे में बात करूंगा वो है एक्सेसरीज। आप फॉर्मल के साथ कभी भी ओवर एक्सेसरीज मत पहनना, जैसे कि ब्रेसलेट हो गया, मतलब कुछ इस तरह का काफ़ी ज़्यादा ब्रेसलेट। फिर आप मतलब कई लोग होता है ना जो मतलब चेन अपना शर्ट का ऊपर, कॉलर का ऊपर से पहन रहे हैं, तो इस तरह का मिस्टेक आपको नहीं करना है। आप हमेशा फॉर्मल के साथ कम एक्सेसरीज ही पहनना, ज्यादा ओवर एक्सेसरीज बिल्कुल मत पहनना। तो एक्सेसरीज में आप क्या पहन सकते हो? वॉच पहन सकते हो या आप सनग्लास पहन सकते हो। इससे ज्यादा मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा मत पहनना। और वॉच भी मतलब आपको स्पोर्टी वॉच हो गया, फिर आपका मतलब स्मार्ट वॉच हो गया, डिजिटल वॉच हो गया, इस तरह का वॉच भी आपको नहीं पहनना है। तो आप किस तरह का वॉच पहन सकते हो? आप मेटालिक वॉच पहन सकते हो, नहीं तो आप लेदर स्ट्रैप वॉच पहन सकते हो, और मतलब वो जो स्पोर्टी वॉच वगैरह है इस तरह का वॉच बिल्कुल मत पहनना। अब मैं बात करूंगा आपको शर्ट किस तरह का पहनना चाहिए। देखिए, जो चमकीली सी शर्ट होता है, जो ज़्यादा साइनी वाला शर्ट होता है, इस तरह का शर्ट आप बिल्कुल अवॉइड करना। इस तरह का शर्ट फॉर्मल के साथ बिल्कुल मत पहनना। और तो आप किस तरह का शर्ट पहन सकते हो? आप सिंपल शर्ट पहन सकते हो, जैसे कि अगर कलर का बात करें तो आप स्काई ब्लू का तरफ जा सकते हो, आप रॉयल ब्लू का तरफ जा सकते हो, आप व्हाइट के तरफ जा सकते हो, आप ब्लैक के तरफ जा सकते हो। तो इस तरह का कलर आप पहन सकते हो। और हाफ शर्ट भी आप बिल्कुल मत पहनना, क्योंकि हाफ शर्ट पहनने से ना थोड़ा अंकिल वाला मतलब वाइब आएगा। तो आप हाफ शर्ट फॉर्मल के साथ बिल्कुल मत पहनना। अगर आपको पैटर्न शर्ट पसंद है तो आप पॉकलर डॉट या तो पिन स्ट्रिप का तरफ जा सकते हो। हाँ, स्ट्रिप शर्ट लेने का टाइम में एक चीज़ ध्यान रखना है कि उसमें ज़्यादा कलर नहीं होना चाहिए, मल्टीपल कलर नहीं होना चाहिए, और उसमें कुछ मतलब बड़ा बड़ा चेक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? वो बिल्कुल फॉर्मल नहीं है। तो शर्ट मतलब जितना सिंपल हो सके। तो अब मैं बताऊँगा आपको पेंट किस तरह का पहनना चाहिए। ऑब्वियसली फॉर्मल के साथ तो आपको फॉर्मल पेंट ही पहनना चाहिए। और हाँ, फिटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका पेन जो है ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग होना चाहिए, ठीक है? आप पेन खरीद के टेलर का पास लेके भी आप परफेक्ट फिटिंग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, नहीं तो आप टेलर का पास जाके भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। वो मतलब बेस्ट ऑप्शन है फॉर्मल के लिए। हाँ, और कलर का बात करूँ तो आप ग्रे, ब्लैक, ब्लू, इस तरह का कलर का तरफ आप जा सकते हो, क्योंकि मतलब किसी भी फॉर्मल शर्ट का साथ आराम से मतलब आप पहन सकते हो, मतलब किसी भी कलर के साथ आप आराम से पहन सकते हो। तो इस तरह का कलर के तरफ आप आराम से जा सकते हो। तो अब मैं बात करूंगा उन भाइयों के लिए जो मतलब ज़्यादा फॉर्मल पहन नहीं पहनते हैं, मतलब कभी कभी उसको फॉर्मल पहनने का जरूरत होता है, मतलब कैजुअल ज़्यादा पहनते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मल में भी और कैजुअल में भी दोनों में काम आ जाए, तो आप चिनोस की तरफ जा सकते हो, ठीक है? मतलब चिनोस आप फॉर्मल के साथ भी पहन सकते हो और मतलब कैजुअल भी पहन सकते हो। हाँ, और चिनोस तो आपको पता ही है, मतलब वो मतलब जीन्स और फॉर्मल का दोनों का मतलब कॉम्बिनेशन है। तो आप चिनोस की तरफ जा सकते हो, लेकिन चिनोस में ना काफ़ी ज़्यादा कलर होता है, तो कलर में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप ब्राउन की तरफ जा सकते हो, ब्लैक की तरफ जा सकते हो, स्काई ब्लू की तरफ भी जा सकते हो, व्हाइट शर्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगता है। अब मैं बताऊँगा आपको बेल्ट किस तरह का पहनना चाहिए। देखिए, बेल्ट के बिना तो मतलब फॉर्मल लुक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप बेल्ट नहीं पहनोगे ना तो सेमी फॉर्मल लुक हो जाएगा, ठीक है? तो आपको बेल्ट किस तरह का पहनना चाहिए? आप कॉटन बेल्ट बिल्कुल मत पहनना, आप हमेशा लेदर का बेल्ट ही पहनना, जो मतलब हाँ। और बेल्ट पहनने का टाइम में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो शूज़ है ना उसका साथ कलर मतलब सिमिलर होना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं होने से भी चलेगा, मतलब सिमिलर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने थोड़ा डार्क ब्राउन शू पहना है तो आपका बेल्ट थोड़ा लाइट ब्राउन है तो चलेगा, लेकिन आपने ब्लैक शू पहना है और ब्राउन बेल्ट पहना है, इस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब कलर सिमिलर होना चाहिए, तो ज़्यादा आप क्लासी, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। और बेल्ट आप हमेशा पहनना अगर आप फॉर्मल लुक क्रिएट कर रहे हो तो। हाँ, तो अब मैं बात करूँगा आपको शूज़ किस तरह का लेना चाहिए। फॉर्मल के लिए तो ऐसे भी ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, कलर भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, ब्राउन और ब्लैक में ही है। तो आप किस तरह का शू लेना चाहिए? तो फॉर्मल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है डार्वी, नहीं तो ऑक्सफोर्ड, इस दोनों की तरफ जा सकते हो आप। अगर आप थोड़ा सा हटके देखना चाहते हो तो आप ब्रॉक्स, नहीं तो मॉन्क स्ट्रैप की तरफ भी जा सकते हो, मतलब थोड़ा और भी आपको मतलब क्लासी लुक देगा और थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, मतलब ये आपका ऊपर है, सस्ता वाला मत लेना, ठीक है? तो अब मैं बात करूंगा उन भाइयों के लिए जो मतलब फॉर्मल के लिए अलग से मतलब स्पेंड नहीं करना चाहते और कभी कभी फॉर्मल पहनते हैं मेरे जैसा, तो आप क्या कर सकते हो? आप चेल्सी बूट की तरफ जा सकते हो। चेल्सी बूट तो आप कैजुअल के साथ पहन सकते हो और आप फॉर्मल के साथ भी पहन सकते हो। और अगर आप फॉर्मल ज़्यादा नहीं पहनते हो तो आप चेल्सी बूट की तरफ जा सकते हो। और चेल्सी बूट ऐसे भी मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। हाँ, और चेल्सी बूट आप ब्लैक या ब्राउन में ही लेना, अगर आप फॉर्मल और कैजुअल दोनों में पहनना चाहते हो तो। तो मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। आई होप कि मेरा इस वीडियो से आपको कुछ नया अपने को मिला होगा। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और मेरा इंस्टा को भी फॉलो कर देना। एंड थैंक यू वन सेकंड गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू।